everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha Dwivedi and today we will be continuing with the chapter The Age of Industrialization. तो इससे जब last time हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से Manchester India में आया and then उसने जो Indian weavers थे उनकी life काफ़ी ज़्यादा problematic कर दी है ना, उनका जो source of income था, livelihood था, वो छिनने लगा उनसे etc. तो आज हम उसी को continue करेंगे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था बाय द 1860s वीवर्स फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम. दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी, क्योंकि जो रॉ कॉटन था वो मोस्टली क्या होता था, इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाया करता था ब्रिटेन के लिए. तो अभी तक तो बस उन्हें सर्वाइवल इश्यूज आ रहे थे, बट अब उनको उनका जो एक रॉ मटेरियल है वो भी नहीं मिल रहा था. ठीक है, उसके बाद व्हेन The American Civil War broke out, the cotton supplies from the US were cut off, Britain turned to India. Civil War हुई, अमेरिका से जो भी कॉटन ब्रिटेन आता था वो बंद हो गया और उसके बाद अब ब्रिटेन ने इंडिया की तरफ देखा कि भाई अब तो हमें यहीं से रॉ कॉटन चाहिए. तो रॉ कॉटन जो था वो एक्सपोर्ट होने लगा, उसके दाम बढ़ गए, जो प्राइस थे रॉ कॉटन के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे और जो वीवर्स थे इंडिया में उन्हें ही सप्लाई नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमें पता है रीज़न कि जो कॉटन था वो कहाँ एक्सपोर्ट हो जाया करता था, ब्रिटेन एक्सपोर्ट हो जाया करता था. देन बाय द एंड ऑफ द 19th century जो वीवर्स थे और जो बाकी क्राफ्ट पीपल थे उन्होंने एक और प्रॉब्लम फेस करी. अब वो क्या थी, जो फैक्ट्रीज थी इंडिया में उन्होंने अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया, उसके बाद उन्होंने मार्केट में इतने ज़्यादा मशीन गुड्स ला दिए कि वीविंग इंडस्ट्री का जो सर्वाइवल था वही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फैक्ट्रीज कम अप. अभी तक हमने मैनचेस्टर का जो हमारा एक फैक्टर था वो देख लिया, अब हम देखेंगे किस तरह से फैक्ट्रीज आए. तो जो पहली मिल थी वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, बॉम्बे में 1854 में, और उसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया अपना 2 साल बाद, मतलब 1856 से. 1862 तक 4 मिल स्टार्ट हो चुकी थी इंडिया में, जहाँ पे 94,000 स्पिंडल्स और 2150 लूम्स, ठीक है, ये वहाँ पे लग चुके थे एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. उसके बाद इसी टाइम के आसपास जूट मिल्स भी स्टार्ट हो गई थी बंगाल में, द फर्स्ट बीइंग सेट अप इन 1855 और उसके 7 साल बाद 1862 में. तो इस तरह से इंडिया में भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो फैक्ट्रीज थी, वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही थी. नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल वॉज स्टार्टेड इन कानपुर, ये नाम आपको पता होना चाहिए कि एल्गिन मिल स्टार्ट हुई थी. एल्गिन मिल कहाँ स्टार्ट हुई थी, कानपुर में 1860s में, और उसी के 1 साल बाद पहली कॉटन मिल अहमदाबाद की सेटअप हुई थी. इसीलिए अहमदाबाद को हम आज भी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ की कॉटन मिल का जो कॉटन है इट यूज़ टू बी सप्लाइड ऑल ओवर दी इंडिया. 1874 में पहला स्पिनिंग और वीविंग मिल मद्रास में सेटअप हुआ था और फिर उसने अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया था. तो ये जो टाइमलाइन है ये आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहली मिल हमारी बॉम्बे में सेटअप हुई थी, उसके बाद जूट मिल पहली बंगाल में सेटअप हुई थी, नॉर्थ इंडिया की पहली एल्जिन मिल कहाँ सेटअप हुई थी, कानपुर में, और उसके बाद पहली कॉटन मिल अहमदाबाद में सेटअप हुई थी. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और इस ये टाइमलाइन जो ये क्रोनोलॉजी है दैट ऑल्सो यू मस्ट रिमेम्बर. नाउ लेट्स मूव टू द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, कि अब आपने पढ़ा होगा ना कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना बिजनेस मैन, बिजनेस वुमन, तो उन्हीं का एक जनरलाइज टर्म है एंटरप्रेन्योर्स. तो सबसे पहले इनिशियल एंटरप्रेन्योर्स कौन थे, इंडस्ट्रीज वर सेट अप इन डिफरेंट रीजंस बाय वेरिंग सॉर्ट्स ऑफ पीपल. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग थे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे थे. वैसे तो हिस्ट्रीज ये भी ट्रेस करती हैं कि बहुत से बिजनेस ग्रुप्स जो थे हमारे वो चाइना तक ट्रेड किया करते थे पास्ट में,
पर फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी जैसा हमने पढ़ा है हमारी किताब में, ब्रिटिश इन इंडिया बिगैन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके ओपियम वॉर के बारे में भी पढ़ सकते हैं जो हुई थी, ओके। वो एक्सपोर्ट करने लगे ओपियम टू चाइना, एंड क्या लेते थे चाइना से, चाइना से टी लेते थे जो कि इंग्लैंड जाता था। तो वो ओपियम एक्सपोर्ट करते थे और टी को इम्पोर्ट करते थे। बहुत से इंडियंस जो थे वो जूनियर प्लेयर्स बन गए इस ट्रेड में, फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, सप्लाइज को प्रोक्योर करते थे, शिपिंग कंसाइनमेंट्स में हेल्प करते थे। मतलब बेसिकली जो ट्रेड में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनमें वो अपना रोल जो था वो प्ले करने लगे। इस ट्रेड से उन्हें काफ़ी ज़्यादा कमाई हो रही थी। सम ऑफ दीज बिजनेस मैन हैड विजन्स ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज इन इंडिया, ठीक है। लाइक वंस दे गॉट इन टू दिस बिजनेस, पहले तो वो छोटे छोटे रोल्स ही प्ले कर रहे थे, बट देन लेटर दे गॉट टू नो कि अब हमें, मतलब होता है ना कि हम भी अपना कुछ इस्टेब्लिश करें इंडिया में, राइट। तो बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, ये नाम आपको पता होना चाहिए, उन्होंने ही मेड हिज फॉर्च्यून इन द चाइना ट्रेड बिफोर ही रिटर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, सेटिंग अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इन्होंने चाइना ट्रेड से बहुत पैसा कमाया, मेड हिज फॉर्च्यून का मतलब यही होता है कि इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, और उसके बाद आके इंडिया में इन्होंने 6 स्टॉक कंपनीज इस्टेब्लिश करी 1830 से 1840s में। टैगोर्स एंटरप्राइजेस सैंक अलॉन्ग विद दोज ऑफ अदर्स इन द वाइडर बिजनेस क्राइसिस ऑफ 1840s, बट ये इनका जो काम था ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, 10 सालों में ही डूब गया सबके साथ, जिस तरह से बिजनेसेस चल रहे थे क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस थे। फिर उसके बाद लेट 19th सेंचुरी के लास्ट में बहुत से चाइना के ट्रेडर्स जो थे वो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे, बिकॉज दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी इन प्लेइंग दोज वेरी स्मॉल रोल्स विद वाइल ट्रेडिंग विद चाइना, ठीक है। तो जैसे बॉम्बे में पारसीज हैं, ठीक है, लाइक दिनशॉ पटीट एंड जमशेद जी नुसरवान जी, ठीक है, टाटा, जमशेद जी टाटा हम बोलते हैं ना, जिनके नाम से आज भी झारखंड में जमशेदपुर जाना जाता है। तो ये वो पारसीज थे, इनफैक्ट द टाटा ग्रुप इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स इन इंडिया। तो ये वो लोग थे जो अब धीरे धीरे अपना बिजनेस सेटअप कर रहे थे इंडिया में, जिन्होंने बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर सेटअप कर लिए इंडिया में, और अक्यूमुलेटेड देयर इनिशियल वेल्थ पार्टली फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स टू चाइना। तो इन लोगों का जो एक होता है ना कि अगर आप बिजनेस में लगा रहे हैं तो आपके लिए इनिशियली पैसा आपके पास होना चाहिए, तो वो पैसा इनको चाइना के साथ जो ट्रेडिंग हुई थी उसके थ्रू मिला था, ओके, एंड पार्टली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट्स टू इंग्लैंड। सेठ हुकुम चंद, अ मारवाड़ी बिजनेस मैन हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकटा, इन्होंने भी ट्रेड किया था चाइना के साथ। सो डिड द फादर एज वेल एज द ग्रैंड फादर ऑफ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जी डी बिरला। बिरला ग्रुप अभी भी एग्जिस्टिंग ग्रुप है और वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक हैं वो इंडिया के। तो इन्होंने भी बहुत स्टार्टिंग में, मतलब हिज फैमिली स्टार्टेड द एंटायर बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेटअप्स वे बिफोर द इंडिपेंडेंस। कैपिटल बहुत ज़्यादा इन लोगों ने एक्यूमुलेट कर लिया था बाकी ट्रेड नेटवर्क्स के थ्रू, कि कॉटन इंग्लैंड भेज रहे हैं, ओपियम की ट्रेड चाइना में कर रहे हैं, इन चीज़ों के थ्रू। सम मर्चेंट्स फ्रॉम मद्रास ट्रेडेड विद बर्मा, बर्मा क्या है हमारा म्यांमार, वाइल अदर्स हैड लिंक्स विद द मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। एक्चुअली ये मिडिल ईस्ट हमें नहीं बोलना चाहिए बिकॉज इट्स फ्रॉम अ यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वी मस्ट से इज वेस्ट एशिया, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए मिडिल ईस्ट थोड़ी है वो, हम तो ऑलरेडी साउथ एशियन कंट्रीज हैं और हमारे हिसाब से देखें तो वो तो वेस्ट में आते हैं ना, तो वी शुड से वेस्ट एशिया। ये यूरोपियन पर्सपेक्टिव है जिसे हमारी किताबों में बस उतार दिया गया है। तो बाकी इनके किधर से लिंक्स थे, इनके लिंक्स थे वेस्ट एशिया से और ईस्ट अफ्रीका से। There were yet other commercial groups, but they were not directly involved in external trade. ठीक है, बहुत से और भी commercial groups थे but वो directly involved नहीं थे external trade में। They operated within India,
इंडिया में ऑपरेट तो कर रहे थे, गुड्स कैरी करते थे एक जगह से दूसरे जगह पे, बैंकिंग का मनी, उसके बाद फंड्स को ट्रांसफर करना एक दो सिटीज के बीच में, फाइनेंस करते थे ट्रेडर्स को, ये सारी चीज़ें. ऐसे कुछ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, कमर्शियल ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते थे. व्हेन अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज ओपनड अप, इनमें से बहुत से लोगों ने फिर अपनी फैक्ट्रीज लगा ली, क्योंकि इनिशियल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो दे हैड, सो दे स्टार्टेड विद दिस. So they started by setting up the factories. As colonial control over Indian trade tightened, ठीक है, जो colonial control था Indian trade के ऊपर वे जिस तरह से और अच्छा होता चला गया, the space within which Indian merchants could function became increasingly limited. अब ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारी ट्रेड पे completely अपना, जिसे कहते हैं ना, कब्जा जमा लिया था. तो जो इंडियन मर्चेंट्स थे, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके लिए बहुत कम लिमिटेड हो गई थी लाइन ऑफ ट्रेडिंग. दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग इन यूरोप. तो वो लोग, बार्ड मतलब क्या होता है, रोक देना. तो यूरोप में ट्रेड नहीं कर सकते थे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, और एक्सपोर्ट करते थे क्या, मोस्टली रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन्स. यही वो चीज़ें थी जो यूरोप में इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ करती थी, जैसे कि रॉ कॉटन जाता था, ओपियम जाता था, वीट जाता था, इंडिगो जाता था. ये चार ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को. ठीक है, यू मस्ट रिमेम्बर दीज. क्या क्या हो गया हमारा, रॉ कॉटन हो गया, ओपियम हो गया, वीट हो गया और इंडिगो हो गया. ये ब्रिटिशर्स की ज़रूरत थी. दे वर ऑल्सो ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस. तो शिपिंग बिजनेस से भी धीरे धीरे इन लोगों को निकाल दिया गया था. अब देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, सॉरी, जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, वो कंट्रोल करते थे एक बहुत बड़ा सेक्टर इंडियन इंडस्ट्रीज का. थ्री ऑफ द बिगेस्ट वंस कौन कौन से थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक? यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी वो बहुत बड़ा सेक्टर कंट्रोल करती थी इंडियन इंडस्ट्रीज का. इसमें से मेन कौन थे हमारे? बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रू यूल एंड जार्डिन स्किनर. ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज नेम्स एज वेल, कि कौन लोग थे, कौन सी ऐसी मैनेजिंग एजेंसीज थी जो कंट्रोल कर रही थी. ये एजेंसीज जो थी वो कैपिटल को मोबिलाइज करती थी, जॉइंट स्टॉक सेटअप करती थी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, और मैनेज करती थी उनको. बहुत से इंस्टांसेस में जो इंडियन फाइनेंसर्स थे, ठीक है, वो इनको कैपिटल प्रोवाइड करते थे, और जो यूरोपियन एजेंसीज थी वो सारा इन्वेस्टमेंट करती थी और बिजनेस डिसीजंस करते थे. तो इस तरह से दे यूज टू work. The European merchants industrialists had their own chamber of commerce which Indian businessmen were not allowed to join. जैसे आज भी इंडिया में एक हमारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चेंबर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की वो ऑपरेट करती है. वैसे ही ब्रिटिशर्स का था अपना एक चेंबर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जिसमें इंडियन बिजनेसमैन दे वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन. ओके, अब जो क्वेश्चन आता है हम पे वो ये आता है कि वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम. ठीक है, जो हम वर्कर्स थे वो कहाँ से आते थे? तो फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स, फैक्ट्रीज को ज़रूरत थी वर्कर्स की, और एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज के साथ दिस डिमांड इंक्रीज. अब कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, भले ही वहाँ पे मशीनरी है, बट मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए भी वर्कर्स चाहिए. एंड नॉट एवरी थिंग कैन बी डन बाय द मशीन. तो कुछ जो भी लेबर वर्क होता था उसके लिए वर्कर्स वर रिक्वायर्ड. उसके बाद 1901 में वहाँ पे 5,84,000 वर्कर्स जो थे वो इंडियन फैक्ट्रीज में काम करने लगे थे, और 1946 तक नंबर कितना हो गया था? 2,04,36,000. ठीक है, तो अब ये वर्कर्स आ कहाँ से रहे थे जो इतने ज़्यादा ये वर्कर्स थे ये इंडिया में, ये कहाँ से आ रहे थे काम करने?
तो जो मोस्टली इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स थे वो कहाँ से आते थे? डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ के अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से। अब जैसे झारखंड में अगर कोई कंपनी सेटअप हुई तो वहाँ के अगल बगल के जो लोग थे वो वहाँ पे आ जाते थे एज अ वर्कर काम करने। वैसे ये जो पीजेंट्स थे सॉरी या फिर आर्टिसंस थे, ठीक है, जिनको अब कोई काम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैनचेस्टर की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा जो रोज़ का काम था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि एक तो उनका उनका सामान कोई ख़रीद नहीं रहा था, दूसरा उन्हें रॉ मटेरियल तक नहीं मिल रहा था। सो नाउ दे स्टार्टेड जॉइनिंग एज वर्कर्स इन दीज कंपनीज, ठीक है। उसके बाद ओवर 50% वर्कर्स इन द बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री 1911 केम फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रत्नागिरी, ठीक है। वाइल द मिल्स ऑफ कानपुर गॉट मोस्ट ऑफ देयर टेक्सटाइल हैंड्स फ्रॉम द विलेजेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कानपुर, मोस्ट ऑफन मिल वर्कर्स मूव्ड बिटवीन विलेज एंड द सिटी, रिटर्निंग टू विलेज होम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल्स, ठीक है। तो जो इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो 50% वर्कर्स थे बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री के, वो उसके अगल बगल के जो नेबरिंग एरिया से जैसे रत्नागिरी हो गया, वहाँ के वर्कर्स थे। और उसके बाद अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो टेक्सटाइल थी वहाँ पे जो मेजॉरिटी वर्कर्स थे वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट के जो विलेजेस हैं वहाँ से आके काम कर रहे थे। उसके बाद जो मिल वर्कर्स थे वो क्या करते थे, मोस्टली वो मूव करते रहते थे अपनी विलेज और सिटी के बीच पे, और फिर वो विलेज तब जाया करते थे, जैसे छुट्टियों में होता है ना कि इफ समबडी इज लिविंग फार अवे देन दे विल रिटर्न टू देयर होम इन फेस्टिवल्स या फिर हार्वेस्ट के टाइम पे, तो वहाँ पे वो काम करते थे और थैंक्स टू कलोनलिज्म यस फिर वो वापस जाया करते थे अपने छुट्टियों में या हार्वेस्ट के टाइम पे। ओके, और टाइम के साथ क्या हुआ, न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड। आपने सुना भी होगा इफ़ यू विल टॉक टू समबडी फ्रॉम लेट्स से जो ये बॉम्बे मिल थी या फिर ऐसे जमशेदपुर में जो प्लांट लगा था, अगर आप यहाँ से बात करें सो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ स्टोरीज कि किसी के दादाजी यहाँ काम करते थे। तो एम्प्लॉयमेंट के इस टाइम पे इतनी ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी कि एम्प्लॉयमेंट की जो न्यूज़ थी ना वो फॉरेस्ट फायर की तरह फैलती थी कि अच्छा यहाँ पे काम मिल रहा है, मतलब इंडियन पीपल देवर इन सो लेट्स से ब्रूटल इकोनॉमिक क्राइसिस कि उन्हें जहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता था दे वुड हैव जॉइंड। तो एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ फैली तो वर्कर्स बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आने लगे इन मिल्स में काम करने के लिए। अब वो सिस्टम चला गया था कि सिर्फ विलेज विलेज के ही जो अगल बगल के लोग थे वो आ रहे थे काम करने, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंसेस फॉर इंस्टेंस दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड इन द जूट मिल्स ऑफ कैलकटा। यूनाइटेड प्रोविंस कौन सा है, ये हमारा उत्तर प्रदेश वगैरह वाला जो इलाका है यही है। तो यहाँ से लोग चले गए थे कहाँ, टेक्सटाइल मिल्स में बॉम्बे के काम करने, मिल्स ऑफ कैलकटा यहाँ पे जूट मिल्स में यहाँ पे काम करने चले गए थे। और इफ़ यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड यू नो समबडी सो यू मस्ट हैव आई गेस ऑफन हर्ड ऑफ सच इंस्टेंसेस ना कि किसी आपके दादा के दादाजी कोलकाता गए थे, लोग बोलते ना कि कमाने गए थे, तो बेसिकली वो लोग क्या काम करने जाते थे, यही काम करने जाते थे। यूज़ टू गो एज वर्कर्स टू वर्क इन अ मिल क्योंकि वहाँ पे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था। ओके, जॉब्स मिलना बहुत डिफिकल्ट था। इवन वेन मिल्स मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज तब भी जॉब्स मिलना मुश्किल था। द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में आज से ही नहीं है, ये हम कह सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस भी चलता आ रहा था, कॉलोनियलिज्म के टाइम पे भी यही हाल था कि नौकरी के लिए जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा थी एंड नंबर ऑफ जॉब्स बहुत ही कम थी। एंट्री जो थी मिल्स में वो भी रेस्ट्रिक्टेड थी। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड अ जॉब टू गेट न्यू रिक्रूट्स, ठीक है। वेरी ऑफन द जॉबर वॉज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। तो जॉबर होते थे, जॉबर कौन होते थे, जैसे आज के ज़माने में हम HRs होते हैं ना, हमारे जो रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो वैकेंसीज निकालते हैं, रिलीज करते हैं, तो वैसे ही दे यूज़ टू बी समबडी यूज़ टू एक्ट एज अ जॉबर जो लोगों को रिक्रूट करते थे।
और ये मोस्टली कौन होता था, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उनके कोई बहुत पुराने और ट्रस्टेड एक कोई वर्कर. ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, इंश्योर्ड देम जॉब्स, हेल्प देम सेटल इन द सिटी एंड प्रोवाइडेड देम मनी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. तो ये तो आज भी चलता है ना, इफ़ यू हैव समबडी इन द एचआर और एट सम गुड पोस्ट इन अ वेरी गुड कंपनी, तो वो इंसान पक्का आपकी हेल्प करेगा कि ठीक है मैं रेफरल लगा देता हूँ या मैं जॉब लगवा देता हूँ. तो उस टाइम तो इतने प्रोसीजर्स भी नहीं होते थे, द जॉबर वॉज गिवन द जॉब. अब उनको अपने गांव से वो सारे जितने भी लोगों को नौकरी की ज़रूरत थी उन्हें जॉब दे देते थे, उनका ध्यान रखते थे, उनको घर प्रोवाइड करवा देते थे, कुछ ज़रूरत पड़ी तो पैसे वैसे भी दे देते थे. तो मोस्टली वो किन्हें रिक्रूट कर रहे थे, सिर्फ अपने एरिया के लोगों को. द जॉबर देयरफॉर बिकेम अ पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर. ठीक है, ही ऑब्वियसली हेल्ड सम अथॉरिटी एंड पावर बिकॉज ही वॉज रिक्रूटिंग एंड गिविंग जॉब्स टू पीपल. ही बिगैन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट्स फॉर हिज फेवर एंड कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ वर्कर्स. तो अब धीरे धीरे यहाँ पे भी जॉबर तो भाई लगाया गया था कि वो रिक्रूट करेगा, पर लूपहोल्स और मेल फंक्शन इसके भी काम में आने लगे थे. बिकॉज नाउ ही स्टार्टेड फीलिंग कि भाई आई एम तो सुपीरियर वन ना, कि मैं ही लोगों को नौकरी पे रख रहा हूँ. तो ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी कि मतलब यू नो घूस दो अगर नौकरी चाहिए तो, गिफ्ट्स दो मुझे. और उसके बाद वो वर्कर्स की लाइफ को भी कंट्रोल करना है बिकॉज ही वॉज द वन हु रिक्रूटेड देम. जो फैक्ट्री वर्कर्स का नंबर था वो भी इंक्रीज हो गया टाइम के साथ. हाउएवर वील सी दैट देयर वॉज अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स. अभी भी वो बहुत कम यू नो प्रपोर्शन थे पूरी जो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स थी उसका. ओके, वसंत पारकर हु वॉज वंस अ मिल वर्कर इन बॉम्बे सेड द वर्कर्स वुड पे द जॉबर्स मनी टू गेट देयर सन्स वर्क इन द मिल. ये तो आज भी आई गेस बहुत जगह होता है ना कि आप घूस दे के नौकरी लगवाते हो. तो जो जॉबर्स को वो पैसे देते थे, जैसे किसी के पापा हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मिल में, तो वो जॉबर को पैसे दे के अपने बेटे की भी नौकरी वहीं लगवा दिया करते थे. और जो मिल वर्कर थे वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे अपने गाँव के साथ, तो फिजिकली और इमोशनली. सो ही वुड गो होम टू कट द हार्वेस्ट एंड फॉर सोइंग की जब फसल पूरी तैयार हो जाती है तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे, या फिर जब सीड्स सो करने होते हैं उस टाइम पे. बिकॉज जितने भी लोग मिल में काम करने आ रहे थे इनिशियली तो वो सब एज अ फार्मर ही सर्व कर रहे थे ना, बट ऑब्वियसली वहाँ पे इतना इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं था, इसीलिए दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द मिल. सो स्टिल दे हैड दैट वेरी इमोशनल एंड अ फिजिकल लिंक टूवर्ड्स देयर विलेजेस. द कोंकणी वुड गो होम टू कट द पैडी एंड द घाटी द शुगर केन. इट वॉज एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस फॉर विच मिल्स ग्रांटेड लीव. ठीक है, तो मिल्स जो थी, कॉटन मिल या कोई भी मिल, वो ग्रांट कर देती थी लीव. ये बहुत ऑब्वियस रीज़न था कि हाँ जब इनके यहाँ फसल कटने वाली होगी या फिर जब इनके यहाँ सीड्स ये लोग सो करने वाले होंगे उस टाइम पर इनको छुट्टी चाहिए, तो मिल्स ग्रांट भी कर दिया करती थी वर्कर्स को छुट्टियाँ. अच्छा, ये कहाँ से लिया गया है, 100 Years 100 Voices 2004. We have something else as well. Bhai Bhosle, a trade unionist of Bombay, recollected his childhood in 1930s and 1940s. And what did he say? He said कि उन दिनों में जो shift थी वो 10 घंटे की हुआ करती थी, शाम के 5 बजे से रात के 3 बजे तक. और जो working hours थे वो बहुत ज़्यादा terrible थे. आज अगर कोई 10 घंटे की shift officially कर दे तो उसके ऊपर factory act या फिर लेबर कमीशन का अटैक ही हो जाएगा. स्टिल माई फादर वर्कड फॉर 35 years. ही गॉट दी एस्थमा लाइक डिजीज एंड कुड नॉट वर्क एनी मोर. देन माई फादर वेंट बैक टू द विलेजेस. तो ये बेसिकली इन्होंने हम कह सकते हैं टेस्टिमोनियल्स एक तरह से हैं लोगों के, जो लोगों ने बता रखे उन टाइम पे अगर उनके कोई फैमिली मेम्बर या फिर वो खुद काम किया करते थे तो कैसा एक्सपीरियंस हुआ करता था. And this is also from the same book by Meena Menon and Neera Adarkar. Okay. Now we have the peculiarist of industrial growth. ठीक है? The peculiarist of industrial
ग्रोथ. यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज विच डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया वर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, जो हमने पढ़ा था ना कि इस तरह से वो डोमिनेट कर रही थी इंडस्ट्रीज को, तो वो इंडस्ट्रीज को जो डोमिनेट कर रही थी वो इंटरेस्टेड भी थी किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन में इंडिया के प्रोडक्ट्स के. दे एस्टैब्लिश्ड टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस. अब हमें पता है ना कि कॉफ़ी प्लांटेशंस कर्नाटका, केरला, यहाँ तमिलनाडु एरिया में है, और अगर टी की बात करें तो असम में है, तमिलनाडु में है, ऊटी स्पेशली नोन, दार्जिलिंग इज़ नोन फॉर इट्स टी. तो ये सारे एरियाज़ में इन लोगों ने प्लांटेशंस इस्टेब्लिश करी. इन्होंने ज़मीन को बहुत ही सस्ते रेट पे ख़रीदा कॉलोनियल गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और उसके बाद इन्होंने माइनिंग में इन्वेस्ट किया, इंडिगो में इन्वेस्ट किया, जूट में इन्वेस्ट किया, क्योंकि इन सारी चीज़ों में इंडिया वॉज रिच, प्लस इट वॉज प्रोवाइडिंग वेरी गुड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. मोस्ट ऑफ दीज वर प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड प्राइमरली फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया. तो हमारे ही देश की चीज़ें लेके, एंड दे वर नॉट सेलिंग इट टू अस, दे वर एक्सपोर्टिंग इट. तो इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए तो कॉटन कितना अवेलेबल हो रहा था वो हमने वीवर्स की हालत पढ़ के देख लिया. उसके बाद इंडिगो जो था वो ज़बरदस्ती ग्रो करवा के, एंड देन दे यूज टू सेल आउटसाइड. और उसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज़ जो थी, माइनिंग एक्टिविटीज़ में इंडियन वर्कर्स यूज टू वर्क. ठीक है, और वो भी उसमें भी प्लांटेशन वर्कर्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो बहुत ही गंदे कंडीशंस में दे यूज टू वर्क, कि उन्हें घर जाने तक की छुट्टी तक नहीं मिलती थी, और अगर वो जैसे तैसे एस्केप भी कर जाए तो अगर जंगलों में कहीं भी किसी भी ब्रिटिश पुलिस मैन या फिर किसी भी ब्रिटिश ऑफिशियल को वो दिख गए तो दे वर बीटन वेरी ब्रूटली, एंड एट टाइम्स दे वर इवन शॉट डेड. तो ये हालत थी प्लांटेशन वर्कर्स की, उनसे बहुत ज़्यादा लेबर लिया जाता था, और उसके बाद जो उनके वेजेस थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे. तो इस तरह से आर पीपल वर वर्किंग, दे वर एक्सप्लॉइटिंग अस, एंड दे वर नॉट इवन सेलिंग इट टू अस. ये मोस्टली क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था. उसके बाद जब इंडियन बिजनेसमैन ने अपनी इंडस्ट्रीज लगानी स्टार्ट कर दी लेट 19th सेंचुरी में, दे अवॉइडेड कंपीटिंग विद मैनचेस्टर गुड्स इन द इंडियन मार्केट. सिंस यार्ड वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इन टू इंडिया, द अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया प्रोड्यूस्ड कोर्स कॉटन यार्न थ्रेड रादर देन फैब्रिक. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. जब इंडियन बिजनेसमैन ने अपनी इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दी इंडिया में, तो उन्होंने मैनचेस्टर के गुड्स के साथ इंडियन मार्केट में कॉम्पीट नहीं किया. ठीक है, उन्हें ये पता था कि जो यार्न होता है ना, चरखा जिसे हम नॉट बेसिकली चरखा बट या समथिंग सिमिलर टू दैट, तो जो यार्न होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं था ब्रिटिश इम्पोर्ट्स का इंडिया में. The early cotton mills in India produced coarse cotton yarn. ठीक है, जो cotton का वो धागा जो होता है ना, जो thread जैसा होता है, जो उसे produce करते थे वो बहुत coarse, मतलब मोटा produce करते थे. They did not produce fabric. और जो British yarn था वो इतना India में नहीं import होता था. When yarn was imported in, it was only of the superior variety. तो जब वो जो धागे होते थे, ठीक है, इट वॉज नॉट अ कपड़ा, नॉट अ फैब्रिक, इट वॉज जस्ट दी थ्रेड्स, वो ऐसे जैसे वूल का हमने देखा है ना वैसे ही आता था, तो वो इतना अच्छा, वो काफ़ी सुपीरियर वेराइटी का होता था जब वो इम्पोर्ट होता था. तो जो यार्न प्रोड्यूसर्स थे इंडियन स्पिनिंग मिल्स में, वो इट वॉज यूज बाय हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्टेड टू चाइना. ठीक है, बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी बहुत से चेंजेस आने लगे और जो अफेक्ट करने लगे पैटर्न को इंडस्ट्रियलाइजेशन के. स्वदेशी मूवमेंट धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ने लगा. नेशनलिस्ट ने लोगों को फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लॉथ, फॉरेन गुड्स यूज करने के से बॉयकॉट कर दिया. हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना, बॉयकॉट एंड स्वदेशी
स्वदेशी एंड बॉयकॉट, इसमें हमने क्या पढ़ा था, दैट वी वर आस्क्ड टू यूज थिंग्स दैट आर मेड इन इंडिया, जो हमारे देश के थे, और उसके साथ साथ हमने ये क्या पढ़ा था कि हमें बॉयकॉट करनी है फॉरेन चीज़ों को। तो आपने देखा होगा ना, एक फोटो बहुत फेमस होती है, किस तरह से एक बड़ी सी बॉनफायर मार्केट के बीच में लगाई और उसमें जो इम्पोर्ट हुए थे कपड़े ब्रिटेन से, उनको जला दिया गया था, फॉरेन गुड्स को जला दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे अपना पेस पकड़ रही थी, देवर गैदरिंग देयर मोमेंटम। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब इंडस्ट्रियल ग्रुप साथ आ गए कि भाई उनका कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या है, वो उनको प्रोटेक्ट करना है। दे स्टार्टेड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट कि वो टैरिफ प्रोटेक्शन को बढ़ाएं और कंसेशन ग्रांट करें, ठीक है। उसके बाद 1906 से और उसके आगे तक जो एक्सपोर्ट था इंडियन यार्न का टू चाइना, वो क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। हम प्रोड्यूस करते थे ना कोर्स, अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था कि हम कोर्स इंडियन यार्न प्रोड्यूस करते थे एंड नॉट द फैब्रिक, उसे हम जो चाइना में एक्सपोर्ट किया करते थे वो अब धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि जो प्रोड्यूस थी फ्रॉम चाइना एंड जापानीज मिल, वो फ्लड करने लगी चाइनीज मार्केट में। तो अब चाइना सेल्फ सफिशिएंट हो गया था कॉटन के मामले में, और वो जापानीज मिल्स जो थी वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने लगी थी। इसीलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया में, उन्होंने अपना जो दे स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लोथ प्रोडक्शन, तो वो प्रॉपर एक वो फैब्रिक जो कपड़ा होता है उसके प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट करने लगे, क्योंकि यार्न की डिमांड बेसिकली चाइना में थी, वो एक्सपोर्ट किया करते थे, अब वो एकदम ही खत्म हो गई थी। कॉटन पीस गुड प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 एंड 1912, ठीक है। तो वो जो थान के कपड़े आपने देखे होंगे ना, बहुत बड़े बड़े ऐसे एक ही कपड़ा होता है, तो इस तरह से अब वो प्रोड्यूस करने लगे, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द प्रॉपर फैब्रिक। येट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक क्या था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो थी इंडिया में। जो वॉर था उसने एक नई सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, ब्रिटिश मिल्स बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी वॉर प्रोडक्शन में, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी आर्मी की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स इन टू इंडिया डिक्लाइंड, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। सडनली इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई, अब जो चीज़ मैनचेस्टर ने टेक ओवर कर ली थी, क्योंकि मोस्टली लोग जो ब्रिटेन जो मैनचेस्टर का आया हुआ कपड़ा था वो ही पहन रहे थे, वही चीज़ें यूज़ कर रहे थे, बट अब उसका जो एक्सपोर्ट था वही डिक्लाइन हो गया। तो अब जो हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज थी उन्हें एक्सपैंड होने का एक मौका मिल गया। एज द वॉर प्रोलॉन्ग्ड इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स, जैसे कि जूट ब्लैग्स, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट, लेदर बूट्स, हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स एंड होस्ट ऑफ अदर आइटम्स। तो अब जैसे जैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, तो उन्होंने बोला कि अब इंडियन फैक्ट्रीज हमें सप्लाई करेंगी, कैसी कैसी चीज़ें सप्लाई करेंगी, जैसे कि जूट के बैग हो गए, कपड़ा हो गया, आर्मी यूनिफॉर्म्स हो गई, टेंट, लेदर बूट्स, मतलब जो भी आर्मी को रिक्वायर्ड था, ठीक है, वो सारी चीज़ें अब इंडिया उनको देगी। नई फैक्ट्रीज इसके लिए सेटअप होने लगी और जो पुरानी थी वो मल्टीपल शिफ्ट्स चलाने लगी, ठीक है। बहुत से नए वर्कर्स को नौकरी मिलने लगी और उसके साथ साथ सबको बहुत ज़्यादा आर्ट्स के लिए काम भी करना पड़ा, और उसके बाद ओवर द वॉर ईयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम बहुत ज़्यादा स्पीड में, क्योंकि देखा जाए तो ब्रिटेन की इकोनॉमी भी धीरे धीरे बैठ रही थी, वो भी यूएस से ही लोन्स उठा रहे थे, तो इसीलिए जो इंडिया का जो हमारे इकोनॉमी थी अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, क्योंकि बहुत कम एक इम्पोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से, और जो भी था वो हम खुद ही बना रहे थे एंड वी वर एक्सपोर्टिंग इट टू ब्रिटेन। अब देखिए वॉर के बाद जो मैनचेस्टर था इट कुड नेवर कैप्चर इट्स ओल्ड पोजिशन इन इंडियन मार्केट, क्योंकि अब जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे हैव सब्स्टिट्यूटेड मैनचेस्टर, अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द US, जर्मनी एंड जापान। जो इकोनॉमी थी ब्रिटेन की वो क्रम्बल हो गई आफ्टर द वॉर, मतलब एकदम ख़त्म ही हो गई, ना के बराबर हो गई, ठीक है। और कॉटन प्रोडक्शन जो था वो एकदम ही ख़त्म हो गया,
एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन ये भी बहुत ज़्यादा एकदम ही ना के बराबर हो गया। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे जो ब्रिटेन पे आए थे वॉर की वजह से। विद इन द कॉलोनीज जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजिशंस। ठीक है, धीरे धीरे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी जो पकड़ थी इंडियन मार्केट पे अपनी इंडस्ट्रीज पे वो और ज़्यादा कंसोलिडेट होती चली गई। उन्होंने फॉरेन गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके मैन्युफैक्चर को सब्स्टिट्यूट, मतलब तो होता है ना कि एक की जगह दूसरे को ला देना। तो अब फॉरेन गुड्स ऑलरेडी साइडलाइन हो गया था, तो अब ब्रिटिश जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो इंडियन मार्केट में काफ़ी वास्ट रेंज में यूज़ होने लगे। एंड दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द होम मार्केट। ठीक है, कि अपने देश की जो मार्केट थी, देश के लोगों के पास जो सामान जा रहा था अब वो ज़्यादातर इंडिया में ही बना हुआ जा रहा था। नाउ लेट्स कम टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। वाइल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ग्रू स्टेडली आफ्टर द वॉर, जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी दे फॉर्म्ड ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज थी वो बहुत स्टेडिली ग्रो हो रही थी वॉर के बाद, बट जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो अभी भी इकोनॉमी का बहुत ही स्मॉल पार्ट थी। मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% इन 1911 वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। Over the rest of the country, small-scale production continued to predominate. तो जो बड़ी बड़ी मिल्स थी वो कहाँ थी, या तो बंगाल में थी या तो बॉम्बे में थी। अब बाकी पूरे देश में क्या हो रहा था, बाकी पूरे देश में बहुत जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, बहुत छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज काम करती हैं वो फंक्शन कर रही थी। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। ठीक है, 5% इन 1911 एंड 10% इन 1931। जो रजिस्टर्ड कंपनी थी उनमें काफ़ी कम प्रपोर्शन जो था टोटल इंडस्ट्रियल लेबर का वो काम करता था, तो बाकी सब बाकी इंडस्ट्रीज में दे वर वर्किंग। जो बाकी थे दे वर्कड इन स्मॉल वर्कशॉप्स या फिर हाउस होल्ड यूनिट्स ऑफन लोकेटेड इन एलीज एंड बाइलेंस इनविजिबल टू दी पासर बाय। ठीक है, बाकी सब ये लोग छोटे छोटे यूनिट्स में काम करते थे जहाँ कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा होता था। इनफैक्ट कुछ इंस्टांसिस में क्या होता था, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो गया 20th century में। दिस इज ट्रू इवन इन द केस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर दैट वी डिस्कस्ड। तो 20th century, अब इंडिया इज़ वेरी रिच व्हेन इट कम्स टू हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है हर स्टेट का अपना एक ना एक कोई हैंडलूम स्पेशलिटी होती है। लाइक इफ़ यू गो टू उत्तर प्रदेश यू विल फाइंड बनारसी साड़ी। ठीक है, अगर आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ का सिल्क या फिर वहाँ का जो कॉटन साड़ीज़ है या जो हैंडलूम है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। द मोर यू मूव टूवर्ड साउथ यू विल फाइंड कांजीवरम साउथ सिल्क। तो इंडिया वॉज ऑलरेडी वेरी रिच इन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, तो 20th century तक ये और ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका था। जो चीप मशीन मेड थ्रेड थे वो धीरे धीरे दे वाइप्ड आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन 19th century और जो वीवर्स थे सर्वाइव्ड डिस्पाइट प्रॉब्लम्स। ठीक है, द वीवर्स हैड प्रॉब्लम्स बट देन एनीवेज दे हैव टू सर्वाइव। इन द 20th century जो हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। ठीक है, और ऑलमोस्ट ट्रेबलिंग बिटवीन 1900 एंड 1940। अब ये सारी चीज़ें हुई कैसे, ठीक है, इतना जो एक्सपेंशन हो रहा था इंडियन गुड्स का वो किस तरह से हुआ। सो दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही थी एंड इंडिया वॉज अडेप्टिंग इट। हैंडीक्राफ्ट पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इफ दैट हेल्प्स देम इम्प्रूव प्रोडक्शन विदाउट एक्सेसिवली पुशिंग अप कॉस्ट। तो अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है और एक्सेसिवली जो कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, सो द हैंडीक्राफ्ट पीपल दे अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजीज। इसीलिए सेकेंड डेकेड तक 20th century के वीवर्स
क्या लूम्स यूज करने लगे थे विद अ फ्लाई शटल. अ फ्लाई शटल क्या होता है? इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर वीविंग, मूव्ड बाय द मींस ऑफ रोप्स एंड पुलीज. इट प्लेसेस द हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स कॉल्ड द वेफ्ट एंड दी वर्टिकल थ्रेड्स कॉल्ड दी वार्प. आपने देखा होगा ना, अगर आप किसी हैंडलूम में देखें तो वैसे उसे पैर से चलाते हैं और ऊपर से भी थ्रेड्स होते हैं, नीचे भी थ्रेड्स होते हैं, एंड स्लोली अ हैंडलूम क्लॉथ इज मेड. द इन्वेंशन ऑफ द फ्लाई शटल मेड इट पॉसिबल फॉर वीवर्स टू ऑपरेट लार्ज लूम्स एंड वीव वाइड पीसेज ऑफ क्लोथ्स. तो वो बड़े बड़े लूम्स और जो कपड़े हैं उनके वाइड पीसेस बना सकते थे. दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर. ठीक है, इसके बाद पर वर्कर प्रोडक्टिविटी जो थी वो इंक्रीज हो गई. उसी के साथ साथ इट स्पीडेड अप प्रोडक्शन और लेबर डिमांड जो थी वो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी थी. 1940 तक 35% से ऊपर हैंडलूम इन इंडिया इट वॉज फिटेड इन फ्लाई शटल्स, और वो उनके लिए भी यूज़ करना ईजी था. अब कैसे रीजन्स में, जैसे कि त्रावणकोर है, मद्रास है, मैसूर है, कोचिन है, बंगाल है, यहाँ पे जो प्रोपोर्शन था वो 70-80% तक था किसका, जो ये फ्लाई शटल यूज कर रहे थे उसका. देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशंस दैट हेल्प्ड वीवर्स इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड कम्पीट इन द मिल सेक्टर. ठीक है, तो ऐसे बहुत से स्मॉल देयर वर अदर फैक्टर्स एज वेल जिनकी वजह से जो वीवर्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी और जो उनकी कंपैटिबिलिटी थी मिल सेक्टर में वो इंक्रीज हो गई. नाउ देर वॉज दिस सर्टेन ग्रुप ऑफ वीवर्स जो कि बेटर पोजिशन में थे बाकियों से कि वो सर्वाइव कर सके कॉम्पिटिशन जो कि मिल इंडस्ट्रीज में चल रहा था. अमंगस्ट वीवर्स सम प्रोड्यूस्ड कोर्स क्लोथ, जो अभी ऐसे आपने देखा होगा ना कुछ कुछ कॉटन के कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, सो दे यूज टू प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ कोर्स क्लोथ. और कुछ ऐसे थे जो बहुत फाइन वेराइटीज प्रोड्यूस करा करते थे. द कोर्सर क्लोथ वॉज बॉट बाय पुअर पीपल बिकॉज इट वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल इन वेयरिंग, तो उसे बहुत ज़्यादा ऐसे हाई प्राइजेस पे नहीं बेचा जाता था. जिन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता था दे यूज टू बाय द कोर्स क्लोथ. अब जो फाइन क्लोथ्स थे जैसे सिल्क है, ठीक है, उसके बाद कॉटन में भी बहुत अच्छी वेराइटीज आते हैं, उन्हें कौन लोग खरीदते थे, जो उसे अफोर्ड कर सकते थे. इन द टाइम्स ऑफ बैड हार्वेस्ट, जिस टाइम फसल अच्छी नहीं होती थी, या फिर फेमाइंस हो गए, when the rural poor had little to eat and their cash income disappeared, they could not possibly buy cloth, right? So the demand थी finer varieties की, जो अच्छे variety के कपड़े होते थे वो बहुत जो stable लोग थे सिर्फ वही पहना करते थे. The rich could buy these even when the poor starved. तो अगर कोई section है society का, the poor section of society, वो खाने के बिना मर भी रहे हैं ना, तब भी द रिच कुड बाय दी फाइनर क्लोथ्स. तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो इकोनॉमिक गैप था, ठीक है, वो कितना ज़्यादा था दो सेक्शंस में. फेमाइंस डिड नॉट अफेक्ट द सेल ऑफ बनारसी और बलूचारी साड़ीज. ठीक है, फेमाइंस के बाद भी बनारसी साड़ी या फिर बलूचारी साड़ीज में नहीं इतना अफेक्ट पड़ा. इसी के साथ साथ अगर हमने देखा हो, एज यू मिल्स कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज्ड वीव्स. आज भी इफ यू गो टू बनारस, व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल, बिकॉज आई हैव सीन द डिफरेंस कि अगर आप इंडस्ट्री में जो डुप्लीकेट बनारसी साड़ीज होती हैं और एक जो हैंडलूम में बनी बनारसी साड़ी होती है, इफ इट्स केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसमें आज भी काफ़ी डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हैं. तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो इंडस्ट्रीज थी वो कम्प्लीटली जो क्वालिटी हैंडलूम प्रोवाइड करता था उसे नहीं कॉपी कर पा रहे थे. साड़ीज विदाउट वोवन बॉर्डर्स और द फेमस लुंगीज एंड हैंडकरचीफ्स ऑफ मद्रास कुड नॉट बी इजिली डिस्प्लेस्ड बाय मिल प्रोडक्शन. जो वीवर्स थे और बाकी क्राफ्ट पीपल थे जिन्होंने कंटिन्यू करा एक्सपैंड करना अपना प्रोडक्शन 20th सेंचुरी तक,
डिड नॉट नेसेसरली प्रॉस्पर. तो ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया या दे बिकेम रिच, ऐसा ज़रूरी नहीं था. वो बहुत ही हार्ड लाइफ जिया करते थे, बहुत लॉन्ग उनके वर्किंग आवर्स होते थे. वेरी ऑफन द एंटायर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन हैड टू वर्क एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. ये तो हमने पहले भी पढ़ा था ना कि जो ये काम होता था इसमें उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती थी और वेरियस वेरियस स्टेप्स पे दे वर वर्किंग. बट दे वर नॉट सिंपली रेमिनेंस ऑफ पास्ट टाइम्स इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज. देयर लाइफ एंड लेबर वॉज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, नाउ वी हैव द मार्केट फॉर गुड्स. तो हमने देखा था कि किस तरह से जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे दे अटेम्प्टेड कि वो टेक ओवर कर लेंगे इंडियन मार्केट को, और किस तरह से इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रेजिस्टेड कलोनियल कंट्रोल्स. ठीक है, वो डिमांड करते थे टैरिफ प्रोडक्शन, क्रिएट करते थे अपनी स्पेस एंड ट्राइड टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस. बट देन जो न्यू प्रोडक्ट्स थे दे वर प्रोड्यूस्ड, पीपल हैव टू बी पर्सुएटेड टू बाय देम. ओके, वन वे इन विच जो नए कंज्यूमर्स थे वो क्रिएट होते थे इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट. तो अब धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट्स भी इंडिया में फेमस हो रहे थे. ठीक है, पीपल वर एडवर्टाइजिंग अबाउट देयर. सो दिस इज, वी हैव अ एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 1928. यहाँ पे ग्राइप वाटर, वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर कीप बेबी वेल, इसकी एडवर्टाइजमेंट है एक. सो दिस इज वॉट वॉज स्लोली स्टार्टेड इन इंडिया, दैट द पीपल स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड नॉट ओनली ऑन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग. एज यू नो एडवर्टाइजमेंट मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी. एडवर्टाइजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. तो उन्होंने लोगों के माइंड को इस तरह से शेप करना स्टार्ट किया और नई जरूरतों को लाना चालू किया. आज भी वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर एडवर्टाइजमेंट्स सराउंड अस एवरीवेयर. यू जस्ट ओपन योर, लाइक यू जस्ट स्विच ऑन योर टीवी एंड यू विल सी योर फेवरेट सेलिब्रिटीज एडवर्टाइजिंग अबाउट समथिंग दैट यू माइट लाइक. एंड इवन इफ यू डोंट वॉन्ट इट, यू आर टेम्प्टेड टू अप्रिसिएट. इवन इफ यू डू नॉट लाइक इट, यू आर टेम्प्टेड टू बाय इट, राइट, बिकॉज योर फेवरेट सेलिब्रिटी is using it. तो इसी तरह से advertisement started shaping people's mind. अब कहाँ का advertisement होते थे, newspaper, magazines, hoardings, street walls, television screens, यहाँ पे people used to advertise. But if we look back into the history, we find that from the very beginning of the industrial age, advertisements have played important part in expanding the markets for products and in shaping a new consumer कल्चर, राइट. तो कंज्यूमर कल्चर को या फिर नए मार्केट बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. अगर आप पे पूछ ले एडवर्टाइजमेंट इन इंडियन इंडस्ट्रियल एज, जो इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उसमें एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल था, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स. अब देखिए, जब मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट ने दे स्टार्टेड सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया, तो उन्होंने लेबल्स लगा दिए थे कपड़ों के बंडल्स पे. द लेबल वॉज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड नेम ऑफ द कंपनी फेमिलियर टू द बायर. सो लेबल में इट वॉज ऑल्सो टू बी मार्क ऑफ क्वालिटी. तो जो लेबल था वो ना सिर्फ हमारी, जैसे कि मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, कंपनी कौन है, ना सिर्फ वो बताता था, बल्कि इट वॉज ऑल्सो अ मार्क ऑफ क्वालिटी. तो जब भी बायर्स ये देखते थे मेड इन मैनचेस्टर बोल्डली लिखा हुआ, तो उन्हें लगता था कि वो कॉन्फिडेंट है इस कपड़े को बाय करने में, बिकॉज इट्स मेड इन मैनचेस्टर, राइट. अब लेबल्स तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नो मैटर कपड़े की क्वालिटी भले ही सेम हो, बट इफ़ यू बाय इट फ्रॉम अ टेलर
जिसने उसे सिल के दिया है और वही चीज जाके आप मॉल में किसी बहुत बड़े ब्रांड से खरीदे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे उस ब्रांडेड कपड़े को पहनने में. सो दैट्स हाउ आवर माइंड्स आर शेप्ड. भले दोनों कपड़े की क्वालिटी, लुक सब एग्जैक्टली सेम हो, तो जो लेबल्स थे ये ना सिर्फ वर्ड्स और टेक्स्ट कैरी करते थे, वो अपने साथ साथ इमेजेस भी कैरी करते थे जो बहुत ब्यूटिफुली इलस्ट्रेट हुआ करती थी. अब जैसे यहाँ पे है ये सनलाइट का, इसमें आप विष्णु जी हैं ये शायद, इनकी इमेज देख सकते हैं. और ये है किस चीज का एडवर्टाइजमेंट, साबुन का, सनलाइट सोप. ये 1934 का हमारा एडवर्टाइजमेंट है. हेयर गॉड विष्णु इज शोन ब्रिंगिंग सनलाइट फ्रॉम अक्रॉस द स्काइज. तो इस तरह से दे यूज टू टारगेट द ऑडियंस इन एडवर्टाइजमेंट एंड यूज टू यूज इमेजेस दैट वर ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड. If you look at these old labels, we can have some idea of the mind of the manufacturers, कि क्या manufacturers के दिमाग में था, उनकी calculations क्या थी and the way they appealed to the people. ठीक है, अब जैसे Indian gods या फिर goddesses की image regularly appear होती थी ऐसे labels पे, ये लोगों को basically जैसे होता है ना कि Indian mindset को they were targeting, so they used their vulnerable points. अब इट वॉज एज इफ द एसोसिएशन विद गॉड्स गेव डिवाइन अप्रूवल टू द गुड्स बीइंग सोल्ड, कि भगवान की फोटो लगा दी है, अब भगवान ने भी अप्रूव कर दिया है उस सामान को, अब आप इसे खरीद सकते हैं. सो दैट्स हाउ दे वर प्लेइंग विद आवर माइंड्स. जो इम्प्रिंटेड इमेज होती थी या कृष्ण जी की हो या सरस्वती माता की हो, इट वॉज ऑल्सो इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ फॉरन लैंड अपीयर सम वॉट सिमिलर टू द इंडियन पीपल. लेट 19th सेंचुरी तक जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो कैलेंडर्स भी प्रिंट करने लगे थे और वो उनका एक पॉपुलर प्रोडक्ट बन चुका था. अनलाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जो कैलेंडर्स थे दे वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड. ठीक है, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे वो भी कैलेंडर्स यूज करते थे. उनको कहाँ पे, चाय की दुकानों में या फिर पुअर पीपल्स होम, यहाँ पे लोग टांग दिया करते थे एज मच एज इन ऑफिस एंड मिडिल क्लास. तो हर जगह दे यूज टू बी अ कैलेंडर हैंगिंग एंड दोज हु हंग द कैलेंडर्स हैड टू सी द एडवर्टाइजमेंट्स डे आफ्टर डे थ्रू द ईयर इन दीज कैलेंडर्स. वंस अगेन वी सी फिगर्स ऑफ गॉड्स बींग यूज टू सेल न्यू प्रोडक्ट्स. तो कैलेंडर्स में भी लोग एडवर्टाइजमेंट्स किया करते थे. अब जैसे कि भगवान की इमेजेस लगा दी, फिगर्स लगा दिए, वो इम्पोर्टेंट पर्सनेजेस थे ऑफ एम्परर्स एंड नवाब्स अडॉर्न्ड एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर्स. द मैसेज वाज वेरी ऑफन सीम्ड टू से कि अगर आप इस रॉयल फिगर को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को भी रिस्पेक्ट करेंगे. ये बेसिकली वो मैसेजेस देना चाहते थे अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू. और जब when the product was being used by king or produced under royal command तो उसकी क्वालिटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता. अगर रॉयल कमांड या फिर कोई राजा है जिनके अंडर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सो इट हैज़ टू बी ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ क्वालिटीज. यहाँ पे आई गेस वी हैव अनदर एडवर्टाइजमेंट. ये किसका है, एन इंडियन मिल्क क्लॉथ लेबल है ये. इसमें ऊंचो माल इस तरह से इन्होंने यूज किया है. इट इज गॉडेस शोन ऑफरिंग क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन अहमदाबाद मिल एंड आस्किंग पीपल टू यूज दी थिंग्स दैट आर मेड इन इंडिया. सो दिस इस तरह से दे वर एडवर्टाइजिंग. ओके, जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो एडवाइस करते थे, एडवर्टाइज करते थे, उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट मैसेज था वो क्या था, वो बहुत क्लियर और लाउड था कि अगर आप देश के बारे में आपको फिक्र है, अगर आप देश की केयर करते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो वो बेसिकली जो स्वदेशी का मैसेज है
या फिर जो मोदी जी ने फेमस किया है मेड इन इंडिया, इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है। इसको बेसिकली जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर जो प्रोडक्ट बनाते थे और एडवर्टाइज करते थे वो लोग बताना चाहते थे। तो एडवर्टाइजमेंट एक व्हीकल बन गया नेशनलिस्ट मैसेज का स्वदेशी के। अब देखिए इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन क्या होगा कि जो एज ऑफ इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, इसमें बहुत मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई अगर स्वदेशी का मैसेज ये होता है कि यू प्रोड्यूस व्हाट इज मेड इन योर कंट्री, ओके, स्वदेशी मींस व्हाट इज मेड इन योर ओन कंट्री। जो एज थी इंडस्ट्रीज की वहां पे बहुत से मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, ठीक है, फैक्ट्रीज की जो ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा यू नो फास्ट हो गई। बहुत से ऐसी फैक्ट्रीज थी जो एकदम ख़त्म भी हो गई जो कि स्मॉल स्केल वर्क करती थी। कंट्री साइड वर्कर्स थे जो हमने यूरोप में पढ़े, उसके बाद जो वीवर्स थे जो हैंडलूम का काम करा करते थे, ये सारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डिमिनिश हो गई, डिक्लाइन हो गई। बट जो मेजर फैक्ट्रीज थी ना वो इस्टेब्लिश होने लगी। उसके बाद जो मेकिंग थी नई इंडस्ट्रियल लेबर की फोर्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। जो लोग अपना एग्रीकल्चर में टाइम दे रहे थे नाउ देवर इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन इंडस्ट्रीज, तो अब लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गए, दे वर मूविंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्रीज एज वेल, तो एक नई सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो गई थी। हाउएवर एज यू हैव सीन जो हैंड टेक्नोलॉजी थी और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी प्रोडक्शन था वो अभी भी इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा था इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा हमारा यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, किस तरह से इट स्टार्टेड, है ना, और वो जो सबसे स्टार्टिंग में हमने एक फ़ोटो पर देखी थी इफ़ यू रिमेम्बर, जहाँ पे ऊपर इट वाज अलादीन विद हिज लैम्प और जिसमें से यू नो देर वाज दिस जिनी एंड देन नीचे देर वाज दिस पर्सन हु वाज सीइंग अ वेरी डेवलप्ड नेशन। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे टेक ओवर करने लगी, किस तरह से कौन सी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, किस तरह से क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा, हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, इनिशियली लोगों ने उसे किस तरह से नहीं एक्सेप्ट किया एंड देन स्लोली दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। उसके बाद यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से सिंस इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी तो इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया के वीवर्स पे जो हैंडलूम में काम करते थे लोग उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड विद दिस वी कंप्लीट विद आर चैप्टर ऑफ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। सो आई होप यू वुड हैव लाइक्ड द वीडियो। और ये हमारा पार्ट सी था इस चैप्टर का, वी हैव डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सो मेक श्योर यू वॉच इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।